जी नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 12 मार्च 2018 का राशिफल आइए जानते हैं। मैं हूं दीपक कपूर। मेष राशि वालों की अपनी मेहनत से आपके काम में कितना लाभ बन पाएगा, ये आपके मन में विचार है। इसी विचार को लेकर आप अपनी मेहनत करना चाह रहे हैं और ये अपने ज्ञान को बढ़ाना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है। पर लाभ ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं हो सकता, बल्कि जिंदगी के इस रास्ते को सुखद और स्थिर बनाना बहुत बड़ा लक्ष्य है जिस ओर आपको प्रयास करना होगा। वृषभ राशि वालों का मन बहुत हद तक परेशान रह सकता है, फिर भी जिंदगी में बहुत कुछ पाने की संभावनाएं बनती चली जा रही। पढ़ाई लिखाई आपके लिए इस समय की कमी का क्षेत्र है, जिसे सुधारने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी, तब जाकर आप अपना भविष्य बना पाएंगे। मिथुन राशि वालों की अपनी मेहनत आपके जिंदगी के द्वार खोल सकती है। बड़ी सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, और यह समय आपको इस तरह से मदद करेगा कि आप अपने ज्ञान को इस्तेमाल कर सकें और तरक्की के रास्ते पर चल सकें। कर्क राशि वालों को बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपके फैसले गलत हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपका पैसा कहीं फंस जाएगा तो मुश्किल होगी। लोगों को नाराज करके भी कोई ऐसी स्थिति न बनने दे जिसके चलते आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए। सिंह राशि वालों के हालात इस वजह से मददगार हैं क्योंकि आप लोगों को समझना चाह रहे हैं, रिश्तों को भी सुधारना चाह रहे हैं। अपने मन की घबराहट को हटाकर इस तरह का आशावादी नजरिया अपनाना पड़ेगा, जो आपको आगे भी मदद करता चला जाए। कन्या राशि वालों को पैसे के लेन देन में नुकसान हो सकता है, और किसी भी तरह का नुकसान आपको लोगों से दूर भी कर सकता है, इसलिए सहजता अपनानी होगी। हर बात को बहुत ध्यान से समझना होगा ताकि किसी से भी किसी तरह के फासले ना बढ़ जाएं। तुला राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र हो सकता है, पर फिर भी विचार ना मिले ये बहुत हद तक संभव है। ऐसे में आपकी गलतियां भी उजागर हो रही हैं और लोगों के आपके प्रति बनती बिगड़ती अवधारणा भी उभरती चली जा रही है। अपनी अच्छाई बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज और घर परिवार में ऐसा तालमेल बिठाना होगा आपको कि जिंदगी की खुशियां बनी रहें, और अपनी बात इस रूप से कहें कि लोग उसे समझ सकें, ये इस समय की सबसे बड़ी बात होगी। धनु राशि वालों के लिए आपकी मेहनत आपके लिए सफलता का द्वार जरूर खोलेगी। किसी भी चुनौती भरे रास्ते पर चलने से परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, पर अंततः अच्छे नतीजे जरूर प्राप्त होंगे, इस भरोसे के साथ आगे बढ़ते चले जाने की जरूरत पड़ेगी। मकर राशि वाले ही समझ लें कि पैसा आएगा भी और पैसा चला भी जाएगा। आमदनी के साधन भी अच्छे बने हुए हैं, पर खर्चे रुक नहीं रहे, इसलिए नुकसान की स्थिति साथ ही साथ चलती चली जा रही है, जिसे संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी। आपकी उत्तेजना से भी और लोगों की सलाह से भी कोई ना कोई गलती इस समय हो सकती है। तुम राशि वाले ही समझ लें कि लोगों की आपके प्रति सद्भावना बनी रहेगी तो आप जिंदगी को नए नजरिए से देख पाएंगे। ऐसे में काम से और अपनी मेहनत से लाभ बना रहना स्वाभाविक है। काम के प्रति प्रतियोगिता की भावना बनाए रखेंगे तो बड़ा लाभ भी जरूर मिल पाएगा। मीन राशि वाले ही समझ लें कि पैसे के चले जाने से भी नुकसान हो जाता है और पैसे के आ जाने से भी नुकसान हो सकता है, इस भेद को समझ लें। सबसे बड़ी सच्चाई है कि पैसा एक जगह टिकता नहीं है, बह जाता है, इसलिए अपने फैसले बहुत संभल कर करने होंगे ताकि हालात आपके हित में ही बने रहें। ये था जी आप सबके लिए आज का राशिफल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर रोज की तरह मुझसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।